नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंटरनेस में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल की कीमत 9.50 रुपए और डीजल की कीमत 6 रुपए हुई कम। इस रात के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 105.41 रुपए के बजाय 95.91 रुपए। पिछले दिनों पीएम मोदी ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की सलाह दी थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा हमारे लिए लोग पहले होते हैं, आज के फैसले सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। यानवापी केस में हिंदू पक्ष में दाखिल करेगा एक और याचिका। शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग करेगा हिंदू पक्ष। सोमवार को वाराणसी के सिविल कोर्ट में दाखिल होगी याचिका। यानवापी मामले में 23 मई को होगी सुनवाई। डिस्ट्रिक्ट जज 23 मई को करेंगे मामले की सुनवाई। मामले से संबंधित फाइल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजी गई। मोदी को महंत परमहंस दास ने लिखा पत्र, खत्म पूजा कानून 1991 को खत्म करने की मांग। लिखा कांग्रेस के बनाए हुए कानून को रद्द। पीएम को महंत परमहंस दास ने लिखा पत्र। एनवीपी विवाद पर बयान के बाद चर्चा में आई एसपी नेता रूबीना खान का पार्टी से इस्तीफा। बोली, जब मैंने राष्ट्रहित की बात की तो सपा का असली चेहरा आया सामने। यूपी के नए 128 विधायकों के डिजिटल परीक्षण कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। 23 मई को शुरू होने वाला है यूपी विधानसभा का बजट सत्र। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी कापड़ा पलटवार। कांग्रेस 84 से मिट्टी का तेल ले लिए घूम रही है। राहुल गांधी ने कहा था बीजेपी ने हर जगह मिट्टी का तेल छिड़क रखा है। दो जन प्रमाण पत्र मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है मामले का ट्रायल। बरेली में दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने आजम खान की रिहाई के बाद उनसे अपील की है कि वह समाजवादी पार्टी छोड़कर किसी अन्य विकल्प पर विचार करें। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई। कहा 12 टिकट देने का वादा किया था लेकिन केवल अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया था, लिहाजा ये स्पष्ट है कि अखिलेश यादव समाज आजम खान को पसंद नहीं करती। मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी ने कसा शिकंजा। बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रयागराज दफ्तर में कई घंटे तक की पूछताछ। सोलह में एनआईए अफसर और उसकी पत्नी की हत्या के मामले में सजा का ऐलान। मुख्य आरोपी मुनीर और रेहान पाए गए दोषी। एडीजे कोर्ट ने दोनों दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। बाद में गैंगस्टर को पकड़े पहुंचे पुलिस। बदमाश फरार, पुलिस को देख गाड़ी लेकर भागा बदमाश। पुलिसकर्मियों को गाड़ी से रौंदने की भी की कोशिश। कन्नौज में चुरियागंज मोहल्ले का निरीक्षण करने पहुंचे आईजी प्रशांत। मोहल्ले में बवाल के बाद किया निरीक्षण, घटनास्थल का भी किया दौरा। जंगी निर्देश पर प्रशासन ने तालाब को कराया अतिक्रमण मुक्त। प्रशासन ने ध्वस्तकरण की कार्रवाई करते हुए 5 मकान और दुकान को किया ध्वस्त। मकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हुई नोक। दस
ललितपुर में सीएम के आदेश के बाद सड़कों पर उतरा बुलडोजर। शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज। अतिक्रमण हटाए जाने से अवैध कब्जेधारी दुकानदारों में लखनऊ में यूपीएटीएस ने दो इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों पर था 25,000 रुपए का इनाम। दोनों बदमाशों को एटीएस ने झारखंड से किया गिरफ्तार। गुंडा में दो पक्षों को लेकर जमकर हुई मारपीट। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। अवैध कब्जे का विरोध करना एक पक्ष को पड़ा भारी। वजीरगंज थाने में दोनों पक्षों ने दी तहरीर। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से दर्ज किया मुकदमा। अयोध्या में दो मासूम बच्चों के साथ सुहावल तहसील समाधान दिवस में आई महिला बेहोश। आवास और पट्टे की जमीन को लेकर बरसों से सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रही थी। आईजी गोविंद प्रताप सिंह और एडीएम एफआर महेंद्र प्रताप सिंह ने तहसील समाधान दिवस में लोगों की सुन रहे समस्या। आगरा के पिनाहट में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सीओ के निर्देशन पर हटाया गया अतिक्रमण। दुकानदारों को सड़क तथा पटरी पर सामान न रखने की दी गई हिदायत। बलरामपुर में रसोई गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट। मुख्य बाजार में मची अफरा तफरी। दो गैस सिलेंडर फटने से घर में लग गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अमेठी के रेलवे स्टेशन पर अमेठी आरटीओ सर्वेश्वर सिंह और ट्रैफिक सीओ मनोज यादव द्वारा स्काउट गाइड के बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। उनसे नशे की हालत और बिना हेलमेट के बाइक न चलाने की अपील की गई। इसके साथ ही गाड़ी चलाते समय फोन पर बात न करने और जरूरी हो तो गाड़ी सड़क किनारे खड़ी करके बात करने की भी अपील की गई। NH24 हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। खड़ी बस में टाटा मैजिक ने मारी जोरदार टक्कर। टाटा मैजिक चालक की हुई मौके पर। शहर में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम के वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। विद्युत विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान जब्त हीटर को तोड़कर लगाया मिशन कश्मीर का नारा। बाराबंकी में दो बाइकों में हुई जोरदार टक्कर। टक्कर में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया। दुधवा जंगल से सटे अंबेडकर नगर गांव के ग्रामीणों के दो पालतू पशुओं को बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने मौका मुआयना करते हुए ग्रामीणों को मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। बुलंदशहर में महिला पर फपतिया कसने मामले में मारपीट। दोनों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी। बीच सड़क पर लाठी डंडों से मारपीट की गई। घर में ताकझाक करने का लगाया था आरोप। शिकायत के लिए थाने जा रहे दोनों पक्ष भिड़े। पूरी घटना की बारीकी से जांच में जुटी पुलिस। ऊना में आजाद नगर डिपो की बस हादसे की शिकार। अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरी बस। बस में सवार कई लोग भी घायल। की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा और उनके परिजनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा की 1,88,00,000 की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गैंगस्टर मनीष मिश्रा पर भदोही समेत कई जगह पर 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। हाथरस में प्रेमी युगल ने जहर खा लिया और एक साइड नोट भी लिखा था। सूचना के बाद कोतवाली प्रभारी महफूज घटनास्थल पर पहुंचे। मध्य
दायु में जमीन विवाद की युवक की हत्या, युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या, युवक की हत्या से गांव में तनाव का माहौल। जालौन में चमारी नाले में मिला अज्ञात महिला का शव, महिला का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बागपत में विद्युत उपकेंद्र पर किसानों का हंगामा, ट्यूबवेल पर मीटर लगाने का कर रहे विरोध, लगे हुए मीटर को साथ लेकर पहुंचे किसान। शामली की स्वेसी में बिजली के न आने से मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का आरोप है स्वेसी के अंतर कमरों में पंखे और ट्यूबलाइट तो लगी है लेकिन वह कभी चल नहीं जाता। कारण गर्मी के चलते मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मरीजों को हाथ के पंखे का सहारा लेने पर मजबूर। आपुर में जन सुविधा केंद्र चलाने वाले दलित युवक को बदमाशों ने दिदाड़े सेवा केंद्र में घुसकर मारपीट की, केंद्र में रखा सारा सामान तोड़कर केंद्र संचालक का अपहरण कर लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अपहरण की सूचना मिलने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा। फिरोजाबाद में लुटेरों के हौसले बुलंद, पुलिस को लुटेरों ने दी खुली चुनौती, बाजार में महिला के गले से छुईनी चाहिए। शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर्राज्यीय चोरों की गैंग का बड़ा खुलासा किया है, पुलिस ने खुलासा करते हुए सरगना समेत 10 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी के 13 ई रिक्शा, 2 कार और 4 बाइक बरामद किया गया। ये गैंग वाहन चालकों को नशा देकर वाहन चोरी करता था। में ठगी का शिकार हुए लोगों ने कोतवाली नगर पहुंचकर प्रार्थना पत्र लिखा, पुलिस को बताया कि आरोपी ने कई लोगों के जीरो बैलेंस खाते खोले और बड़ी रकम एकत्र होती फरार हो गया। ग्राहकों का कहना था कि सभी ग्राहकों का कुल मिलाकर 50 लाख रुपए लेकर संचालक भाग गया, करीब एक महीने पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बाद में पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने की मशीन भी बरामद की। ललितपुर में सीएम के आदेश के बाद सड़कों पर उतरा बुलडोजर, शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज, अतिक्रमण हटाए जाने से अवैध कब्जेधारी दुकानदारों में हड़कंप। बाद में बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो वायरल, रोडरेज के बाद बीजेपी नेता की भीड़ ने की पिटाई, कार सवार बीजेपी नेता ने बाइक सवार को मारी टक्कर। फिरोजाबाद में डिवाइडर से टकराकर बस पलटी, हादसे में 60 से अधिक सवारी घायल, बस चालक की मौके पर हुई मौत। कन्नौज में छिड़काने के विवाद में पथराव और फायरिंग, दूसरे धर्म की युवती से छिड़काने के बाद विवाद, प्रदर्शनी से शुरू हुआ विवाद बना सांप्रदायिक बवाल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद बुलंदशहर पुलिस ने अवैध स्टैंड पर खड़े 10 थ्री व्हीलर सीज किए गए। गुलावटी कोतवाली पुलिस ने सभी टेम्पो से तेज आवाज में बज रहे म्यूजिक सिस्टम के उतरवाए, वही पुलिस कार्रवाई से टेम्पो चालकों में मचा हड़कंप। शामली में कोतवाल का छात्रों के साथ गाली गलौज का वीडियो वायरल, फरियाद लेकर पहुंचे छात्रों के साथ गाली गलौज। में बारातों से भरी बोलेरो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, इससे दर्दनाक सड़क हादसे में दुल्हा के परिवार समेत 6 लोगों की मौत हो गई और पीआरटी जवान सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
अमरोहा में नौगावां सादात कस्बे के निवासी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष आफताब अडवाणी ने मांग की है कि औरंगजेब की कब्र को तोड़कर शौचालय बनाया जाए। एक वीडियो जारी करके कहा कि औरंगजेब हिंदुओं के कत्ल का और मंदिरों को तोड़ने का गुनहगार है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि औरंगाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को तोड़कर वहाँ पर शौचालय बना दिया जाए। राजापुर में नगरे मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने रात को गश्त पर निकले दारोगा और सिपाही को टक्कर मार दी। हादसे में दारोगा की मौके पर ही मौत हो गई। सिपाही की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में चुकी है। विधानसभा का द्वितीय सत्र होगा आहूत। 7 जून को भाटी श्रेणी में होगा विधानसभा का सत्र। नामी सरकार का होगा गैरसैंण भराड़ी श्रेणी में पहला बजट सत्र। उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के बेरोजगार युवाओं को अभी और कुछ महीने तक सेना भर्ती शुरू होने का करना पड़ेगा इंतजार। कर्नल अजय गोठियाल ने दिया बयान। छह महीनों तक युवाओं को आर्म्ड फोर्सेस की भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। कर्नल अजय गोठियाल ने कहा सरकार और सेना को जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। आवास विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में एमडीडीए के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। दौरान उन्होंने अधिकारियों से ऋषिकेश मसूरी में मल्टी लेवल पार्किंग और डोईवाला में बस अड्डा के निर्माण के कार्य को जल्द पूरा करने और समय पर प्रगति रिपोर्ट देने की बात कही। एमडीडीए से नक्शे पास करने को लेकर सख्त निर्देश भी दिए। मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों के भावनाओं के भवनों के नक्शे जल्द से जल्द पास किए जाए। राष्ट्रध्वज का हो रहा अपमान। शहर में लगाया फटा झंडा। तिरंगे के फटे होने के कारण देश की शान का हो रहा अपमान। चारधाम यात्रा के दौरान नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ने से चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पर उठ रहे सवाल। प्रतिमा में एसडीएम के निर्देशन पर प्रशासन ने तालाब को कराया अतिक्रमण मुक्त। प्रशासन ने ध्वस्तकरण की कार्रवाई करते हुए 5 मकान और दुकान को किया ध्वस्त। उत्तरकाशी के लोथन में बारिश के साथ भयंकर आंधी तूफान से लोथन के एक व्यक्ति के मकान की छत उड़ गई। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार। तेज आंधी के साथ भारी बारिश होने के आसार। वही 23 और 24 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। 60-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। कोरोना को लेकर कुछ राहत वाली खबर है। शनिवार को संक्रमण के नए मामलों में कमी। देश में कुल 2200 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव है। भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट PA.4 का दूसरा केस तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में मिला। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 558 नए मामले केरल में आए और यहां 62 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 530 नए कोरोना के केस आए सामने। वहीं एक मौत दर्ज हुई है। उत्तर
प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 146 केस दर्ज किए गए जबकि एक मरीज की मौत। कोरोना टेस्टिंग की बात करें तो यूपी आज फिर अव्वल रहा, यहां 1,14,500 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया।